हेलो दोस्तों, नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है सी जी एंड एनिमेशन। तो हम लोग इस सीरीज़ में बेसिकली सीख रहे थे फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप में मैं अब ज़्यादातर वीडियोस में अपनी आवाज़ देने की कोशिश करूँगा। तो जो आज का ट्यूटोरियल है, इस पर बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी किसी भी इमेज को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी इमेज को आप फ़ोटो को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले स्केच में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली मैं एक इमेज लेके आया हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, जो हमारी इमेज खुली हुई है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड अनलॉक। तो आपको करना है डबल क्लिक, न्यू लेयर हो गई, ओके कर दिया हमने। इसके बाद सबसे पहले आपको इसको ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आप जा सकते हैं इमेज टेन एडजस्टमेंट, आप इसको यहाँ से कलर बैलेंस करके यहाँ से आप मैजेंटा अमाउंट या सेचुरेशन अमाउंट वगैरह कट कर सकते हैं। या आप जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट और इस पर ह्यू एंड सेचुरेशन लगा के आप सेचुरेशन अमाउंट को बिल्कुल ऐसे ड्रॉप कर दें तो भी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। या आप चले जाएं इमेज देन एडजस्टमेंट और आप इसको कर दें डिस्टॉर्ट शिफ्ट कंट्रोल यू, तो भी आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। लेकिन आप इस तरीके से ना करें, आप इसको कंट्रोल यू अप्लाई करें शॉर्टकट ह्यू एंड सेचुरेशन, या आप जा सकते हैं इमेज देन एडजस्टमेंट और ह्यू एंड सेचुरेशन। आप इस पर प्रीसेट को डिफ़ॉल्ट रखेंगे, मास्टर चैनल पे ही आपको करना है सब कुछ। ऐसे कई सारी प्रीसेट दी हुई हैं, रेड बूस्ट स्पेसिया वगैरह वगैरह, तो इन सब के साथ मुझे काम नहीं करना, मुझे डिफ़ॉल्ट के साथ काम करना है। इसका सेचुरेशन अमाउंट हमको इसको इमेज को पूरा डिसेचुरेट करना है ताकि ये वाइट हो जाए। अगर इमेज ज़्यादा लाइट लग रही, थोड़ी सी लाइट हम लोग यहाँ से इसकी ड्रॉप कर लेंगे। इसके बाद आपको करना है ओके। जब आपकी इमेज एक बार ब्लैक एंड वाइट हो जाए तो आप लेयर को करें डुप्लीकेट। आप उसके लिए कर सकते हैं राइट क्लिक और डुप्लीकेट लेयर। इसके बाद आपको लेयर कहाँ पे डुप्लीकेट करनी है, आप यहाँ पे न्यू पे डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप इसी पे डुप्लीकेट करना चाहते हैं, इसका डायलॉग बॉक्स आएगा तो आपको इसी पे डुप्लीकेट करना है। फिलहाल के लिए मैं करता हूँ कंट्रोल जे, तो हमारी डुप्लीकेट हो गई। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट यही होता है लेयर का। तो वैसे मैं इनको नेम दे देता हूँ, इसको देता हूँ इनवर्स और इसको देता हूँ मैं अपनी मेन इमेज। तो आप डबल क्लिक करके भी रिनेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ इमेज और इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम देता हूँ इमेज INVERSE। तो इसको बनाने का बेसिकली प्रोसेस क्या है, देखिए होता क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इमेज में से कराओके या कैपेला वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब हम लोग सॉन्ग कोई डालते हैं तो उसका ऑडियो फाइल और सॉन्ग फाइल मिक्स होती है। इसके अलावा अलग से हम लोग ऑडियो फाइल लेके उसके फेस को इन्वर्ट कर देते हैं, इसके उसको सॉन्ग से इन्वर्ट करवा देते हैं। तो जो बेसिकली हमारा जो इमेज का जो ओरिजिनल वॉइस होता है जो कि सेंटर में रहता है, इसके अलावा आसपास हमारा साउंड रहता है, तो उसके उसी से इजेक्ट हो जाता है। तो वही मेथड इसमें, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, इस इमेज को जो इंटरनल पार्ट है इस सबको हम लोग कर देंगे इन्वर्ट। और जैसे ही हम लोग इन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उससे हम लोग इसको करा देंगे सबट्रैक्ट। और जैसे ही हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे और उसको ब्लर कर देंगे उसको, तो जो हमारी स्केच लेयर है वो बाहर आ जाएगी। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हमारी जो इमेज इन्वर्स है इसको इन्वर्स करने के लिए आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना होगा कंट्रोल आई, इन्वर्स हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका मॉड चेंज करना है। जैसे मैं लाइटन जाता हूँ, इसके अलावा मैं इसको कलर डूड रखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कलर डूड रखेंगे, इमेज गायब हो गई। इसके बाद मैं इमेज इन्वर्स को करता हूँ फिल्टर देन ब्लर। इसके बाद आपको जाना होगा गॉसियन ब्लर। तो जैसे ही आप गॉसियन ब्लर करेंगे तो आपकी इमेज का कुछ इस तरीके से लुक आ जाएगा। तो आप जितना पेंसिल, आप पेंसिल इसके जितना ज़्यादा रखना चाहते हैं उतना ज़्यादा रखें, जिस तरीके का पेंसिल लुक रखना चाहते हैं पेंसिल से बनाया हुआ। जैसे मुझे इतना पसंद लग अच्छा लग रहा है, ठीक है कि हाँ ये अच्छा है, तो मैं उतने पे जाके ओके करूँगा। इसके बाद मुझे लाइट और डार्क के थोड़े बहुत इस पर लेवल्स वगैरह या कर्व वगैरह अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मुझे ज़्यादा लाइट चाहिए या ज़्यादा डार्क चाहिए, पेंसिल स्केच कैसा चाहिए, तो इस तरीके से मुझे यहाँ से कुछ एक इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई कर लेने हैं। जैसे कर्व मुझे चाहिए तो कर्व मैं अप्लाई कर लूँगा इस तरीके से, या मुझे थोड़ा सा कम डार्क चाहिए तो डार्क अप डार्क कर सकते हैं आप इमेज को जैसा आप चाहें। फिलहाल के लिए ये सब यूज़ करना मैं डिफर नहीं करता हूँ प्रीफर। तो मेरी इमेज का स्केच ये आ गया, कंट्रोल शिफ्ट ई, मैंने इसको ई कर लिया। वैसे ब्लैक एंड वाइट है, कैमरा लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं चाहूँ तो इस पर कैमरा अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं फिर भी इस पर कैमरा लगा के कि किस तरीके से इसका काम होता है। तो मैं ज़रा इसका एक्सपोजर अमाउंट यहाँ से डाउन करता हूँ,
एक्सपोज़र अमाउंट आप ज़्यादा ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। कंट्रास्ट में इसकी थोड़ी सी कंट्रास्ट कम कर लेता हूँ। इसके अलावा शेडो इसकी थोड़ी सी मैं हाईलाइट करता हूँ इस तरीके से। वाइटनेस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, इसकी वाइटनेस घटा सकते हैं, वाइटनेस बढ़ा भी सकते हैं। ब्लैक्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, क्लैरिटी करता हूँ थोड़ी सी इमेज में। इसके बाद ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज का स्केच बना सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरी इमेज लेते हैं और क्विक प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपनी स्केच तैयार करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एडिटिंग में कुछ एक इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं जाता हूँ अपनी इमेजेस, इसके बाद जैसे मुझे इस इमेज को करना है कन्वर्ट स्केच में, तो क्या करेंगे हम लोग, जाएंगे इमेज को ओपन करेंगे। इमेज आ गई, कंट्रोल जीरो से मैं इस इमेज को फिट करता हूँ। इसके बाद डबल क्लिक, अनलॉक, कंट्रोल यू, डिसेचुरेट द इमेज, डिसेचुरेस हो गई। कंट्रोल जे, कंट्रोल आई किया हमने इसको, नॉर्मल से कलर डूड लगाया, गायब हो गई। फिल्टर जाके ब्लर अप्लाई किया और गॉसियन ब्लर अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको गॉसियन ब्लर अप्लाई करता हूँ, हमारी जो ओरिजिनल इमेज थी उसके मुकाबले कंपेरिजन में ये फिल्टरेट होके इमेज किस में आ गई हमारी, यानी कि स्केच में कन्वर्ट हो गई। सिर्फ तीन प्रोसेस आपको याद रखने हैं स्केच कन्वर्ट करने के लिए। डबल क्लिक करें, अनलॉक करें, इसके बाद कंट्रोल यू अप्लाई करें, पूरा इमेज को डिसेचुरेट कर दें, ओके करें, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करें लेयर, कंट्रोल आई से इन्वर्स करें, नॉर्मल में जाके आप कलर डूट करें, फिल्टर जाके इस पर ब्लर अप्लाई करें और गॉसियन ब्लर अप्लाई करें। जैसे ही आप गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे आपकी इमेज स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। और मैं करता हूँ ओके। तो अब ज़रा इसकी बिफोर एंड आफ्टर हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो मैं एक नई फाइल लेता हूँ, इसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे जाता हूँ, फिल्म एंड वीडियो का कोई एक प्रीसेट ले लेता हूँ, HDTV 1920 वाली ली ले लेता हूँ फुल HD। इसको मैं जाके इस तरीके से मैंने इस पर, लेकिन उसके पहले मेक श्योर कि आप इस इमेज को कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई यानी मर्ज करना ना भूलें, क्योंकि स्केच कन्वर्ट होने के बाद आप इसको मर्ज करना भूल जाएंगे, ठीक है ना, मुझे पता है। इसके बाद मैं इसको करता हूँ इस तरीके से, बीच से डिवाइड, ठीक, डिवाइड हो गया मेरा। इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, ओके। इस वाली इमेज को सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल टी अप्लाई किया, थोड़ा सा और छोटा किया, इसको इधर रखा। मुझे इसको ग्रिड एंड गाइड को हाइड करना होगा। मैं अपनी ओरिजिनल इमेज लाता हूँ, जो मेरी ओरिजिनल इमेज है, इमेज में जाता हूँ, इमेजेस, ओरिजिनल इमेज मैंने इसको अपनी लाके फोटोशॉप पे ओपन कर ली। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ इसको, इसको मैं साइड में ले जाता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस तरीके से, ताकि ओरिजिनल इमेज देखने में उसी के बराबर लगे मेरी, ठीक। ये ओपन हो गई, इंटरफेस कर लिया हमने, ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूँ इस साइड, और अपनी स्केच वाली लेयर को करता हूँ इस साइड इस तरीके से। तो आप इसको बेसिकली आप ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पा रहे होंगे पहले के मुकाबले, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फोटो से स्केच में इमेज को अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी इमेज को सिर्फ तीन स्टेप और फोटो टू स्केच कन्वर्जेशन आपका हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।